ये जो झगड़ा वगैरह हुआ क्या मैटर था जी, और क्या आप कहना चाहेंगे इसका? हमारे दो वकील साथियों के ऊपर कुछ लोगों ने हम मशवरा होकर जानलेवा हमला किया है हत्या के इरादे से, उनका मेडिकल करा के पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हत्या के प्रयास कोर्ट कैंपस की सिक्योरिटी ब्रीच करने का मामला है, हत्या के प्रयास का और हथियार लेकर हमला करने का, जान से मारने की धमकी का, जल्दी प्रशासन मुकदमा दर्ज करके पुलिस इस मामले का संज्ञान लेगी और दोषियों को आरोपियों को पकड़कर, कुछ एक आरोपी पुलिस की हिरासत में ऑलरेडी हैं, उनको पकड़कर जल्दी से जल्दी इस मामले में कार्रवाई करेगी। और बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जब तक इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती, आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता, वी विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क, हम कार्य कोर्टों का निलंबन रखें। तो अभी जो मैटर था, क्या अभी मामला सामने आया? मामला कुछ नहीं है, कोर्ट में मेडिएशन सेंटर में मामला चल रहा था, मेडिएशन सेंटर से बाहर हमारे दो वकील साथी थे, वो आ रहे थे, उनके ऊपर हमला किया इन लोगों ने, हम मशवरा होकर हत्या के इरादे से। वकील को किस वकील के ऊपर ये हत्या करने की कोशिश की गई? हत्या की हमारे नरेंद्र पाल एडवोकेट हैं और सूरजपाल भगत। तो ये सूरजपाल कहाँ के हैं? सूरजपाल पंचकूला के रहने वाले हैं और नारायणगढ़ कोर्ट में पिछले लंबे अरसे से वकालत कर रहे हैं। तो ये जो हमला करने वाले वो कौन है? हमला करने वाले आसपास के गांव के हैं, उनके नाम पुलिस को बता दीजिए। कोर्ट की बिल्डिंग को भी डैमेज किया गया।